आगा सईद रूहुल्ला को लेकर र्यूमर्स जो हैं वो बाहर आए। आपको बता दें कि पहले भी एक बार ये र्यूमर्स फैले थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन कर रहे हैं। अगर आज की मैं बात करूं, आज फिर से ऐसे र्यूमर्स जो है वो सुबह सवेरे से देखने को मिल रहे हैं कि आगा सईद रूहुल्ला की बात करते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन कर रहे हैं। और वजह ये बताई जा रही थी कि उमर अब्दुल्ला के जो रिसेंट स्टेटमेंट थे आर्टिकल 370 को लेकर, उमर अब्दुल्ला और आगा सईद रूहुल्ला की बात करते हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि ये खबर फैलती फैलती इतनी फैल गई कि इस पर एक स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं वो जारी करना पड़ा। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें आगा सईद रूहुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने कितनी अहम भूमिका, यानी आप देखिए जहां जहां उमर अब्दुल्ला गए उनके साथ साथ आगा सईद रूहुल्ला जो है वो उनके साथ साथ गए। आगा सईद रूहुल्ला की बात करते हैं, जो MP है उन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत सारी कैंपेन की। और अब आपको एक बात समझनी होगी, यहां पर जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा है असेंबली इलेक्शन 2024 में, उसमें बहुत ज्यादा, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कंट्रीब्यूशन है आगा सईद रूहुल्ला का, लेकिन अब आपको यह भी समझना होगा कि देखिए कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा। एक तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि वो MP हैं और उन्होंने भी अभी लोकसभा चुनावों की अगर बात करते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही कंटेस्ट किया। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि अफवाहों का बाजार गर्म था, तब भी रूहुल्ला साहब को जो है वो आगे आना पड़ा और कहना पड़ा, अरे भाई ऐसा नहीं है, ये अफवाहें मत फैलाइए। देखिए कल सरकार बनने जा रही है और सरकार की बात करते हैं, कल उमर अब्दुल्ला जो है वो ओथ लेने वाले हैं। ओथ लेने के साथ साथ ही आज आगा सईद रूहुल्ला की बात करते हैं, उन्हें सामने आना पड़ा, उन्हें ये कहना पड़ा कि, और वो कहते हैं कि मैं खुद ये किसी और से सुन रहा हूं कि मेरे और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, और उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आर्टिकल 370 पर आई है उन्हें लेकर। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर लोगों से कहा है कि आप किसी भी र्यूमर्स पर जो है वो यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ ही हूं और मैं खुद भी जो है अपने बारे में पोस्ट पढ़ रहा हूं, सोशल मीडिया पर लगातार ये नरेटिव फैलाया जा रहा है कि आगा सईद रूहुल्ला जो है वो यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला के जो 370 को लेकर स्टेटमेंट आए हैं, बयान आए हैं, उस पर जो है उनकी जिस तरह से सहमति नहीं हो पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कल सरकार बनने वाली है और जब सरकारें बनती हैं तब कन्फ्लिक्ट भी नजर आते हैं, जो सीधे रास्ते पर जाता है लोग टांगे भी उन्हीं की खींचते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये सीधे रास्ते पर कैसे चले गए। उन्होंने अपनी जनता, वो तमाम कश्मीर की जनता जिन्होंने उनके लिए वोट किया है, आगा सईद रूहुल्ला कहते हैं कि आप हम पर यकीन रखिए, आपके मसले जो है वो जरूर हल होंगे, और मैं आपके, देखिए अब उनकी दूसरी लाइन सुनिए, आपके मसलों का हल करने के लिए ही मैं यहां पर हूं और आपके मसले हल करने के लिए ही मैंने लोगों से वोट मांगे थे कि आप हमें वोट, आप हमें चुने, हम आपके मसले जो है वो हल करेंगे। आगे साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जितने भी लोग यहाँ पर ट्विटर पर, जितने भी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन देने वाला हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन देने वाला, ऐसे फेक नैरेटिव ना फैलाएं। उमर अब्दुल्ला एज ए CM ओथ लेंगे और तमाम लोग, क्योंकि अगर बात करें वो भी वहां पर होंगे, उन्होंने कहा कि आप लोग दुआएं करें और इस तरह से फाल्स नैरेटिव फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने लोगों से भी कहा कि मैं उन लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं जो इन सब खबरों पर यकीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें चुना है, लोग हम पर यकीन करें, हम लोगों के मसले हल करेंगे, लोगों को जो चाहिए चुनी हुई सरकार से, जो हमने कहा था, जो वादे किए वो पूरे करेंगे। लेकिन जैसा अभी आप सुन रहे हैं कि आगा सईद रूहुल्ला जो है वो यहां से रिजाइन दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और उमर अब्दुल्ला और उनकी नहीं बन रही है, ऐसे कुछ भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। अब तमाम लोग जो इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं वो इस बाजार को जो है वो बंद कर दें और इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि कल वो दिन होगा जिसका 10 साल बाद लोगों ने इंतजार किया। और 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं, यहां पर देखिए लोगों ने चुनाव किए और अब लोगों को जो है अपनी सरकार से अपना चुना हुआ CM मिल रहा है। फिलहाल लोगों को कल के दिन का इंतजार करना होगा। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो जाते हुए सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा।